पर बहुत बड़ी जो है अपडेट निकल कर के आ रही गई है कि बिहार स्टेट का रिजल्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार स्टेट का रिजल्ट कि कैसे आप लोग चेक करेंगे बिहार स्टेट का रिजल्ट, यहाँ पर देख लीजिए। बिहार स्टेट का रिजल्ट के लिए जानकारी आपको दे दूं कि जल्द ही आने वाला है बिहार स्टेट का रिजल्ट। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे क्रोम ब्राउजर पर, वहाँ पर जो है आप लोग सर्च करेंगे हिंदुस्तान जॉब्स नेट्स, और हिंदुस्तान जॉब नेट सर्च करने के बाद में सीधे आप जो है यहाँ पर आएंगे लाटेस्ट रिजल्ट पर, और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको एक कॉलम, यहाँ पर बिहार स्टेट रिजल्ट का दिखाई दे रहा होगा आपको कॉलम, यहाँ पर बिहार स्टेट रिजल्ट का। तुरंत ही इस कॉलम इसको आप जो है क्लिक करिएगा बिहार स्टेट रिजल्ट का, एड्स को काट दीजिएगा यहाँ पर। यहाँ पर जो है नीचे आइएगा तो नीचे आप जो है इस साइड पर विजिट करते रहिएगा बिहार स्टेट का रिजल्ट। देखिए यहाँ पे टोटल पेपर दो हुए थे इसमें, एक से पाँच तक, और मतलब जो है उसके बाद में 6 से 8 और 9 से, मतलब जो है 6 से 8 और 9 से 12 वालों का। तो यहाँ पर जो है चलते जाइएगा, और यहाँ पर जो है पिछली बार की कट ऑफ भी दिखाई गई है। कट ऑफ जो है 80 मार्क्स जनरल वालों को लाना है, EWS को 69 और OBC को 68 और SC को 62, ST को 64। इस तरीके से आपको नंबर लाने हैं, फीमेल को 62 नंबर लाने हैं स्टेट को पास करने के लिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि बिहार स्टेट रिजल्ट जो है एक्टिव लिंक हो गई है, इसको देख लीजिएगा। आंसर की एक्टिव है, रिजल्ट की अभी एक्टिव नहीं है। यहाँ पर जो है इसको जब क्लिक करिएगा बिहार स्टेट रिजल्ट, तो यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है, इसको क्लिक करेंगे हम लोग तो सीधे आप यहाँ आ जाएंगे। तो क्या लिखा है, कॉमर्शियल ऑफ रिजल्ट 30/7/2024 और क्लोजर ऑफ रिजल्ट 30/8/2024, यानी 30 अगस्त को ये रिजल्ट जो है क्लोज कर दिया जाएगा। ये स्पेशल ये स्टेट के लिए था, बिहार टीचर के लिए। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन भरेंगे, फिर DOB भरेंगे, तो इस तरीके से जो है इसको लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, DOB, और यहाँ पर डेट भरने की, डेट को एग्ज़ाम हुआ था, फिर यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो बिहार स्टेट का रिजल्ट आप देख पाएंगे। ठीक, तो आप सभी लोग इसके लिए विजिट करते रहें बिहार स्टेट रिजल्ट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।